अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर को ओपन करने की कोशिश कर रहे हो तो आपका जो भी गूगल प्ले स्टोर है वो ओपन ही नहीं हो रहा है, अपने आप ही बैक आ रहा है। किस तरीके से इसे आप ठीक कर सकते हो वीडियो बताने वाला, वीडियो को एंड तक देखना। चलिए तो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है, नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऐप्स का ऑप्शन शो करेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सी ऑल ऐप्स पे क्लिक करना है, जितने भी मोबाइल फ़ोन में आपके एप्लीकेशन से उनकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर को फाइंड आउट करना है, यहाँ उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद स्टोरेज एंड कैचे पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो करेगा क्लियर कैचे, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और इसका जो भी कैचे है वो क्लियर कर देना है। क्लियर कैचे करने के बाद आपको सिंपली क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करना है। जैसे आप डिलीट पे क्लिक करते हो आपका जो भी स्टोरेज है वो भी डिलीट हो जाएगा। क्लियर स्टोरेज करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, आपको जो भी प्रॉब्लम शो कर रही थी वो ठीक हो जाएगी। अब आपको अपना जो भी गूगल प्ले स्टोर है वो ओपन करने की कोशिश करनी है, तो आपको जो भी पहले ऑप्शन शो कर रहा था यानी कि अपने आप ही बैक आ रहा था, वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो गाइस इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं देख वीडियो में।